मनु चल थोड़ी देर खेलते हैं, बहुत पढ़ाई हुई सुबह से, माँ और बापूजी भी देर से आएंगे, तब तक थोड़ी मस्ती करते हैं। मस्ती करते हैं, एक हफ्ते बाद हमारी परीक्षाएं हैं, अगर उसमें कुछ नहीं आया तो माँ अच्छे से कराएगी मस्ती। चुपचाप से पढ़ ले वरना माँ से शिकायत कर दूंगी तेरी। और तुम्हें कुछ आता भी है? जब देखो नानी माँ बनती है। देख मुझे पढ़ने दे। चल तू एक काम कर, तू अपने दोस्त से ना, क्या नाम है तेरे दोस्त का, दिनेश, तू उसके घर जाके खेल ले, वहीं पे तुम दोनों पढ़ भी लेना खेल भी लेना, तुम्हारा मन भी लग जाएगा पढ़ाई में। आइडिया तो अच्छा था पर क्या मनु, तुम्हें पता नहीं क्या, दिनेश ने तो कब का स्कूल छोड़ दिया। क्या उसने स्कूल छोड़ दिया? हाँ। पर क्यों? बात यह है कि दिनेश के माँ बाप बहुत गरीब हैं, काफी समय से वे दिनेश के स्कूल की फीस बड़ी मुश्किल से दे पाते थे, पर अब परेशानी और बढ़ गई थी, इसलिए दिनेश को पढ़ाई छोड़कर अपने माँ बाप के साथ मजदूरी करनी पड़ी। बेचारा दिनेश, बहुत बुरा हुआ उसके साथ, हर एक चीज में आगे रहने वाला दिनेश, अब उसके लिए पढ़ाई क्या और खेल क्या। मनु क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं जिससे दिनेश वापस पढ़ भी सके और अपने पिता के साथ मजदूरी भी करे? है ना? है। हाँ। क्या? साक्षरता अभियान। साक्षरता अभियान क्या मतलब? देखो तुम्हें तो पता ही है हमारे देश में कितने ऐसे मजदूर हैं जो गरीब होने के कारण पढ़ नहीं पाते। मनु देख, तो मुझे बस इतना बता दे कि दिनेश वापस पढ़ सकता है कि नहीं। क्यों नहीं, तमिलनाडु के बाल मजदूर भी तो पढ़ रहे हैं। तमिलनाडु के एक छोर में बसा वेल्लोर जिला, जो देश भर में जाना जाता है अपनी बेहतर मेडिकल सेवाओं और सुप्रसिद्ध वेल्लोर किला के लिए, पर इन दिनों जिले की पहचान एक और क्षेत्र में बन रही है। वो क्षेत्र है बाल मजदूरों के बीच चलाए जा रहे साक्षरता अभियान से। The main aspect about this program is we take children who are involved in hazardous industries like the BD industry, the match industry. We put them into these schools, and these are special schools. Children are taught by way of song. They're taught in a way that will make them feel happy that they are in class. And after 1 year or after 2 years, we give them a special exam. And whichever class they are able to fit into in a regular school, they put into that. चूंकि शुरू के दिनों में अभियान का ज्यादा जोर फ्रॉड लोगों पर था, इस कारण बच्चों पर उतना ध्यान नहीं दिया जा सका था, खास तौर से उन बच्चों पर तो और भी नहीं जिनका सारा दिन पढ़ने लिखने व खेलने कूदने की बजाय बीड़ी बनाने में व्यतीत होता था। ये बच्चे अपने बुरे आर्थिक हालात की वजह से दिन भर काम पर लगे रहते, तब कहीं जाकर इन्हें कुछ मिल पाता। ये इस दिशा में पहला काम किया गया उन बच्चों और जगहों को चिन्हित करने की जहां पर बच्चों से काम लिया जाता है। पहचान कर लेने के बाद बच्चे व उनके माता पिता के पास साक्षरता से जुड़े लोगों की टोली जाती है। ये समझाती है कि अगर वे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं तो इससे न केवल बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा बल्कि उनके भी दिन फिरेंगे। अपनी बात को असरदार तरीके से जन जन तक पहुंचाने के लिए गीतों का भी सहारा लिया गया। ये संदेश फैलाया गया कि जिस तरह बिना आग के हम चल फिर नहीं सकते, ठीक उसी तरह बगैर शिक्षा के हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। आम बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा के विपरीत इन बच्चों को शिक्षित करने की एक अलग विधा अपनाई गई। जैसे यहाँ पर खेल खेल में बच्चों को बतलाया जा रहा है कि पढ़ने लिखने के फायदे ही फायदे हैं। पढ़ने की कक्षाएं भी ऐसी जगह लगाई गई जहां हर कोई आसानी से पहुंच सके। यही वजह है कि अन्नान गुड़ी अपनी कक्षा मंदिर के बरामदे में लगाती है। वैसे तो ये घरेलू महिला है लेकिन फिर भी दिल में बच्चों को पढ़ाने की खासी ललक है, पर आखिर क्यों? नम्बर पढ़ती है दला,
मुझे खुशी हो रही है कि मैं उन लोगों को पढ़ना लिखना सिखा रही हूँ जिन्हें पढ़ाई की ज्यादा जरूरत है। டெய்லி ஒரு மணி நேரம் ஒதுக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அவங்களுக்கு நான் சொல்லி தரேன், பணம் இல்லாதே சந்தோஷப்படுறேன். அப் ஜரா சத்யா கி பாத் சுனே, வோ க்யா கஹதீ ஹை? एरोवली में आने से पहले कुछ भी नहीं जानती थी, यहाँ आने के बाद पढ़ी और अब सातवीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। ये तो रही बाल मजदूरों के बीच शिक्षा के प्रचार प्रसार की बात। अब जरा नजर डालते हैं बड़ों के बीच प्रौढ़ शिक्षा को लेकर किए जा रहे प्रयासों पर। अरे ये क्या, यहाँ तो लोग किताब के बजाय अखबार पढ़ रहे हैं। जी हाँ, ये अलग तरह का अखबार है नौसाक्षरों के लिए, जो साक्षरता अभियान की खबरों को आम लोगों तक पहुंचाता है। और यहाँ तो एक एक करके नौसाक्षर हुई महिलाएं आ रही है रंग बिरंगी पोस्टर्स देखने और अपनी मन पसंद किताबें पढ़ने। यहाँ पुस्तकालय में भी आगे महिलाएं ही आ रही हैं, पर यह पुस्तकालय आम पुस्तकालयों से थोड़ा अलग है, जहाँ नौसाक्षरों के जरूरत के मुताबिक किताबें रखी होती है। सप्ताह में एक बार महिलाएं यहाँ जुटती हैं और रजिस्टर पर हस्ताक्षर करके किताबें घर ले जाती हैं। लेडीज एंड बॉयज दे कम वंस ए वीक एंड सिट टुगेदर हियर इन द लाइब्रेरी हॉल एंड रीड द बुक्स एंड रिटर्न। इफ दे नीड दे कैन टेक इट होम फॉर अ वीक एंड रिटर्न इट ऑन द नेक्स्ट फॉलोइंग वीक। Afterwards, new books are come. I will inform them that these are the new books. You can take it and read it and return it. अब चलते हैं मारा गढ़मिनीला गांव में, जहां महिलाओं ने एक मदर ग्रुप खोल रखी है। महीने में हर एक महिलाएं 10-10 रुपए जमा करती हैं। जरूरतमंद महिलाओं को इन्हीं रुपयों से कम ब्याज पर ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है। टाइपराइटिंग हो रही है। हम लोग हर महिला से पैसे लेकर बचत करते हैं, गरीब महिलाओं की मदद करते हैं जिससे वे अपने परिवार का देखभाल अच्छी तरह से कर पाती हैं। इसी मदर ग्रुप के प्रयासों का आज नतीजा है कि गांव की लड़कियों को टंकण का निशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गांव की साफ सफाई की जा रही है ताकि गाँव में गंदगी के फलस्वरूप बीमारी वगैरह न फैले। महिलाओं की एकजुटता का असर पंचायत के चुनाव में दिखा, जब महिलाओं ने अपनी प्रतिनिधि के रूप में शांता सुब्रमण्यम को चुना। एक दूसरे गांव अरकोट्टान कुडिसाई की महिलाओं ने भी अपनी एक समिति बनाई है। जंगल से ये झाड़ियां काटकर लाती हैं और उससे झाड़ू बनाकर बाजार में बेचती हैं। जया कहती है कि इसी पैसे से उसका परिवार चलता है। जंगल से झाड़ी काट कर लाती हूँ, फिर झाड़ू बनाती हूँ, तभी 2-3 रुपए मिलते हैं। प्रेमा कहती है इससे उसकी घर में इज्जत बढ़ती है। काम करने पर घर में इज्जत मिलती है और इसी पैसे से घर भी चलाती हूँ। खेतों में काम करने वाली सरोजा पढ़ने लिखने के फायदे महसूस करती है। एरोवली में आने के बाद ही मुझे और गांव वालों को पढ़ने लिखने का अवसर मिला, जिससे हमने काफी कुछ सीखा। இப்ப பஸ் போக்குவரத்து எல்லாம் கொஞ்சம் எங்களுக்கு நன்மையா இருக்குது, அத பத்தி ஒன்னும் இது இல்லைங்க எங்களுக்கு। दूसरे जगहों की तरह यहाँ भी पढ़ने को ज्यादा महिलाएं ही आगे आई, आखिर इसकी वजह क्या है? We are taking classes, we are having our centers at the nearest end of the learner spot. We are having centers at the very closer to the habitations of this illiterate women folks area, and we do the classes, we are taking classes at their convenience. बाल मजदूरों से लेकर बड़ों के बीच चले साक्षरता अभियान का साफ असर आज भले ही जिले में कहीं इक्के दुक्के नजर आती है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में इसका व्यापक प्रभाव हर गली चौराहे पर दिखने को सहज ही मिलेगा। अंदर क्यों? अंदर तो तू थी ना, तो मैं बाहर आ गया। अच्छा,
मैंने कहा नहीं था क्या आज छुट्टी का दिन है सफाई करेंगे? मैं अंदर झाड़ू के ढूंढने गई, आप मासी जी बाहर आकर पसर गए। तो क्या हुआ, तूने कर ली ना सफाई? लड़कियों का काम है सफाई करना और लड़कों का काम है गन फैलाना। फिर वही बेहुदा मजाक, ये लड़की या लड़की की बात नहीं है, क्या तुझे गंद भी रहने का शौक है? ठीक है यार, कॉमिक्स पढ़ने देना। ये जो कूड़ा फैलाया है इसे एक जगह नहीं कर सकता था, हर एक जगह फैला रखा है। गांव-गांव में सफाई अभियान चले हुए हैं और आप महाशय जी यहाँ पे कूड़ा फैला रहे हैं। सफाई अभियान? दूसरे अभियानों के बारे में तो सुना है, ये सफाई अभियान क्या है? तुम्हें कभी कुछ पता भी रहता है? परसों की ही बात ले लो, वो जो शीला दीदी है ना, अब पूछो कि शीला दीदी कौन है? हाँ, कौन शीला दीदी? वही जो साक्षरता मिशन की वॉलंटियर है, वो भी हिमाचल प्रदेश गई थी। वो बता रही थी कि गांव की गलियों में जहां तहां बिखरे पड़े पॉलिथीन को चुनती, ये हैं नगरोटा वगवा गांव की महिलाएं। इनके द्वारा पॉलिथीन सफाई का ये अभियान यहां तकरीबन हर महीने चलाया जाता है। एक एक पॉलिथीन को चुनने के पीछे आखिर उद्देश्य क्या है, इसी गांव की रजनी देवी कहती हैं। ये पॉलिथीन अभियान इसलिए शुरू किया कि इस पर पर्यावरण का बहुत बुरा असर पड़ता है और इससे जमीन वगैरह जो कण होते हैं भूमि के वो नष्ट हो जाते हैं और पौधे ठीक तरह से नहीं उगते हैं और इसका पर्यावरण बहुत बुरा असर पड़ता है। ये हमारा ये प्रयोजन है कि इसको बंद किया जाए, ये ऐसे नालियों वगैरह में जो है वो गंदगी फैली रहती है। इनके मुँह से पर्यावरण के प्रति जागरूकता भरे शब्द सुनकर किसी को आश्चर्य हो सकता है, लेकिन यहाँ के जीवन के लिए ये आम बात है और हो भी क्यों ना। आखिर अपनी खूबसूरत प्राकृतिक छटा के लिए मशहूर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले को पर्यावरण से गहरा लगाव है तो ये स्वाभाविक ही है। पहाड़ों और हरे भरे वनों के रूप में प्रकृति की इन सुंदरतम रचनाओं को आखिर सहेज कर रखना भी तो है। तभी तो गांव सिंहयणी की इस पहाड़ी पर गांव वालों द्वारा सामूहिक रूप से पौधों को लगाने का काम किया जा रहा है। पुरुष हो या महिला, हर किसी ने कम से कम एक पेड़ की जिम्मेदारी ली है और वे इसे बखूबी निभा भी रहे हैं। लोगों में इस तरह की जागरूकता आई है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा जिले में चलाए जा रहे साक्षरता अभियान से, जिसमें लोगों को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आसपास के माहौल के बारे में भी जानकारी दी गई और आज जिला संपूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करके उत्तर साक्षरता के दौर में प्रवेश कर चुका है। सन 1992 में जब इस जिले में संपूर्ण साक्षरता अभियान शुरू किया गया तो सभी इस अभियान की सफलता को लेकर चिंतित थे। कठिन पहाड़ी रास्ते, यातायात के इक्का दुक्का साधन और दूर दूर बसे घर, ऐसे में सभी को इस अभियान से जोड़ना आसान काम नहीं था। शुरू में जब अभियान शुरू हुआ तो काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हमें, कोई हिली एरियाज के कारण और स्कैटर्ड एरियाज आल्सो, लेकिन बाद में कला जत्था के माध्यम से और महिला मंडल्स युवक मंडल्स के माध्यम से कुछ सफलता मिली, लेकिन फिर भी इतनी सफलता नहीं हमें मिल सकी। तो सितंबर 95 में हमने हर स्कूल के हेड को पंचायत साक्षरता ऑफिसर बना दिया, बच्चों ने भी पढ़ाने का काम शुरू किया और उससे काफी सफलता मिली। जी हाँ, इस चुनौती को स्वीकारा यहाँ के युवक मंडल और कला जत्था के समर्पित स्वयंसेवकों ने, जिन्होंने मुश्किल से लगने वाले इस काम को पूरा करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। इन्होंने रैलियां निकालकर लोगों तक साक्षरता का संदेश पहुंचाया। ये रैलियां सड़कों और गलियों से गुजरती हुई घरों की दहलीज तक गईं। घर घर जाकर निरक्षरों की पहचान की गई और उन्हें पढ़ाई के महत्व के बारे में बताया गया। पढ़ ले तो की फायदा ही होना, पढ़ने का कोई काटा होड़ी है कोई तो जजा लुटाएं लगा था लुपड़ाएंगे ऐसा राती पढ़ा पढ़ना चाहेंगे राती पढ़ाएंगे। फिर तो साक्षरता कक्षाओं में निरक्षरों की भीड़ जुटने लगी। खुली जगहों पर लगने वाली इन कक्षाओं में
कला जत्था के समर्पित कलाकारों ने करबद्ध और विश्वास भरी मुद्राओं में अपने मधुर गीतों के माध्यम से निरक्षरों की भावनाओं को जागृत करने का काम किया। अब इसे इन गीतों की प्रेरणा कहें या समय को पहचानते हुए अक्षर ज्ञान के प्रति निरक्षरों का उत्साह। स्लेट खड़िया से शुरू हुआ साक्षरता का इनका सफर आज किताबों की दुनिया तक पहुंच गया है। वैसे उम्र के इस मुकाम पर पढ़ने का फायदा क्या है, आइए इन्हीं से पूछते हैं। कमला देवी कहती है कि अब उन्हें अपने अंगूठे में स्याही नहीं लगाने पड़ती। पढ़ने का ये फायदा है कि अपना कुछ नाम पत्र बाहर जाना पड़ता है, अंगूठा लगाना पड़ता था, इसलिए थोड़ा सा अपना नाम पत्र जानना बड़ी जरूरी है। और चेरी की कांता देवी को अब इस बात की तसल्ली है कि कोई उनके साथ अब बेईमानी नहीं कर सकता। 10 रुपए का सौदा हुआ तो हम कभी 11 दे देते थे, 12 दे देते, तो पता चलता नहीं था, तो कभी धोखा भी लग जाता था। अब थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगे तो पता चलने लग पड़ा है कि हम अब कुछ पता चलता है, साफ किताब आ जाता है थोड़ा बहुत। अक्षरों का ज्ञान हो जाने के बाद अब डढ़म्ब की सुदेश शर्मा को शर्मनाक स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। जब तक मैं दफ्तर में जाती या किसी स्कूल में जाती थी, मैडम से बात करती थी, तब मैं अंगूठा लगाती थी, मुझे बहुत शर्म आती थी। तो अब मैं स्कूल में जाती हूँ या किसी दफ्तर में जाती हूँ तो मैं अपने साइन वगैरह जड़ ये खुद कर लेती हूँ। और विश्वंभरी देवी की तो बात ही अलग है। साक्षरता ने इन्हें वो तोहफा दिया है कि ये अब अपने सगे संबंधियों को खुद पत्र लिख लेती हैं। पढ़ना नहीं आता था तो लोगों से पत्र लिखाते थे, तो हमें बुरा लगता था कि हम पढ़े होते तो हम खुद पत्र लिख लेते, जो मन में आता वो लिख देते। साक्षरता पत्रिका में अपना छपा पत्र पढ़कर सुना रही ये महिला है नगरोटा वगवा की खिन्नो देवी। आज से साक्षरता के इन नौ प्रतीकों ने वास्तव में अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी है, और इस मामले में पुरुष भी पीछे नहीं रहे। नगरोटा सूर्या की इस साक्षरता कक्षा में नियमित रूप से आने वालों में से एक हैं धर्म सिंह राणा, जो बागवानी का काम करते हैं। इनको पढ़ाई से क्या फायदा हुआ, आइए इन्हीं से पूछते हैं। हमारे यहाँ कैंप लगते हैं, कृषि के बारे में कैंप लगते हैं, वो ऐसे ऐसे पुस्तकें दे जाते हैं हमें पढ़ने की, उनकी जानकारी दी वृक्षों, क्योंकि हम बगीचे बगाचे वगैरह का काम करते हैं। दवाइयों दुइयों को नाम होते थे हमें, पहले तो कोई पता ही नहीं लगता था, अब तो हम अच्छा महसूस करते हैं। और गाढ़ा राम का कहना है कि पढ़ाई का मतलब दूसरा जन्म है। पढ़ने में दूसरा जन्म है, क्योंकि हमें पूरा पता लग गया भी कहीं कोई हिसाब किताब करना हो तो माड़ा मोटा होती है ऐसे भी कर लेंगे, कहीं चिट्ठी आती है तो हम माड़ी मोटी चिट्ठी लिख लेंगे, क्योंकि इस बात से हमें सोचा भी इसमें तो बहुत अच्छा काम है। क्योंकि जब हम नहीं पढ़े थे तब हमारे इस पास से हमें ध्यान भी नहीं था, पर ये सोचते थे कि उस हमें पढ़ाया नहीं। और ये सब संभव हुआ है अपना ज्ञान बांटने को सदैव तत्पर अनुदेशकों के अथक प्रयासों से, जिन्होंने निरक्षरों को पढ़ाने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी। सिंहयाणी की पूनम राणा इसकी एक मिसाल है। वे कहती हैं, कभी भी हमें इनको अगर खेतों में टाइम मिला तो हमने इनको खेतों में भी पढ़ा दिया। जैसे जैसे इनको जैसे अपनी जैसे जैसे इनकी सुविधा के अनुसार, मतलब अगर इन्होंने कोई भी किताब पढ़नी चाहिए, अगर ये रोचक किताब पढ़ना चाहे तो कोई भी इनको रोचक किताब पढ़ा दी, अगर ये कल्चर करना चाहे तो कल्चरल भी करवा दिया इनको साथ साथ में। निरक्षरों को पढ़ाने के मामले में बच्चे भी पीछे नहीं रहे। कुछ बच्चों ने अपनी माँ को पढ़ाया तो कुछ ने अपनी ताई को, और अंकुश बादल ने तो अपने 75 वर्षीय दादाजी को पढ़ाकर एक अनोखी मिसाल कायम की। आखिर इनके मन में दादाजी को पढ़ाने का ख्याल कैसे आया? हमारे स्कूल में साक्षरता अभियान आया तब हमें मैडम ने बुक्स दी, कहा कि जिस जिसको आप पढ़ाना चाहते हो पढ़ाओ, तब मैंने बुक लिया और दादाजी को पढ़ाना शुरू कर दिया। बच्चों को पढ़ाने के काम में लगाने के पीछे हमारे दो लक्ष्य थे, एक तो साक्षर करना लोगों को और दूसरा बच्चों को एक सामाजिक दिशा देना। तो इससे बच्चे जब फील्ड में आ गए, बच्चों ने पढ़ाना शुरू किया तो काफ़ी सफलता मिली। बच्चों ने अपने माता पिता को, चाचा चाची ताया ताई, घर में जो भी था निरक्षर उसको पढ़ाया, और फिर उसके बाद अगर फॉर्चुनेटली घर में सारे ही पढ़े लिखे थे तो पड़ोसी को पढ़ाया,
लेकिन ऐसी व्यवस्था की गई कि एक बच्चा एक को जरूर पढ़ाए। ऐसे ही योजनाबद्ध और मिलीजुली कोशिशों का ही तो नतीजा है कि अपने धार्मिक स्थलों और चाय के बागान के लिए मशहूर जिला कांगड़ा साक्षरता अभियान के दूसरे चरण यानी उत्तर साक्षरता के दौर में प्रवेश कर चुका है। हमने पोस्ट लिटरेसी कैंपेन जो शुरू किया है, इसमें दोबारा से हमने ब्लॉक साक्षरता, ब्लॉक लेवल पे साक्षरता समितियाँ, पंचायत लेवल पे साक्षरता समितियाँ और वार्ड लेवल पे साक्षरता समितियाँ रिफॉर्मुलेट की हैं, और पंचायत लेवल पे पंचायत विकास केंद्र और वार्ड लेवल पे जन चेतना केंद्र क्रिएट किए हैं ताकि लोग वहाँ आकर के अपने व्यूज एक्सचेंज कर सकें। ये संपूर्ण साक्षरता अभियान की सफलता ही है कि आज यहाँ की ग्रामीण महिलाओं में किताबों के प्रति एक गहरी ललक पैदा हुई है। यहाँ महिलाओं को किताबों के बारे में बताकर उन्हें इन्हें पढ़ने को प्रेरित किया जाता है। सस्ते दामों में मिलने वाली इन किताबों को महिलाएं बड़े चाव से खरीदती हैं। किताबी ज्ञान पर जोर देने के साथ साथ यहाँ आर्थिक निर्भरता के लिए विभिन्न उद्यमों का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। जैसे यहाँ महिलाओं को ग्रीटिंग कार्ड्स बनाना सिखाया जा रहा है। रंगाई छपाई में दिलचस्पी रखने वाली महिलाओं को बूंदी बांधने की जानकारी दी जा रही है। यहाँ इन्हें बताया जा रहा है कि अच्छी रंगाई के लिए रंगों को किस प्रकार इस्तेमाल किया जाए और किस तरीके से कपड़ों को रंगा जाए। ये हैं नीना व्यास जो महिलाओं को सेब का जैम बनाना सिखा रही हैं। आज यहाँ हमने ग्रामीण महिलाओं को साक्षरता मिशन के अंतर्गत सेब का जैम बताना बताया। तो यहाँ हमारे प्रदेश में सेब जो है वो बहुत होता है, तो महिलाएं क्या है जो सेब का अगर उनके गांव में है और वो बना सकती हैं जैम, फिर इसके बाद वे अपने पैरों पे खड़े हो सकती हैं, तो वो अपना जो जैम है वो बना के जो उसको बेच के अपने घर की आमदन में जो है घर की बच्चों की और जो है वो सहायता कर सकती हैं। इस बात को यहाँ बैठी महिलाएं भी अच्छी तरह से समझती हैं, तभी तो वे बड़े धैर्य के साथ जैम बनाना सीख रही हैं। अब देखते हैं इन मेजपोश, जैकेट और बैग की तरफ। इन्हें नवसाक्षर महिलाओं ने तैयार किया है। इस तरह की चीजें बनाकर ये आर्थिक लाभ भी उठा रही हैं। गोराटी की सिमरो देवी कहती हैं कि ये सब बनाकर ठीक ठीक कमाई हो जाती है। अपना फायदा हो जाता, कुछ पैसा दे लो हो जाता, कुछ थोड़ा मत अपना खर्च पानी निकल जाता, से फायदा हो जाता मेरे। इस तरह की आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के पीछे मुख्य उद्देश्य है नव साक्षरों को विकास से सीधे तौर पर जोड़ना ताकि पढ़ाई लिखाई के साथ एक निरंतरता कायम हो सके। साथ ही उत्तर साक्षरता के इस दौर में यहाँ बच्चों की पढ़ाई पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्हें रोचक तरीके से विभिन्न जानकारियाँ दी जा रही हैं, साथ ही ये भी कोशिश की जा रही है कि पढ़ने की उम्र का कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर न दिखे, क्योंकि अगर सभी बच्चों को नहीं पढ़ाया गया तो वे निरक्षरों की संख्या बढ़ाएंगे। हमारे जिला कांगड़ा में बच्चों का प्राइमरी क्लासेस में ड्रॉप आउट्स बहुत ज्यादा है। इसका कारण मुख्य ये है कि उनके पेरेंट्स जो हैं ज्यादा अनपढ़ हैं वो, और वो पढ़ाई के लिए इतने अवेयर नहीं है, और बच्चे जो हैं ज्यादातर घरों में रहते हैं या कुछ तो दाखिल ही नहीं होते हैं, जो होते हैं वो दूसरी तीसरी तक छोड़ के घरों में बैठ जाते हैं। और इसके लिए साक्षरता अभियान जो है वो कार्यरत है, वो प्रयास कर रहा है कि बच्चे जो हैं वो, कोई भी बच्चा पढ़ने वाली उम्र का बच्चा वो घर में नहीं रहना चाहिए। वैसे उत्तर साक्षरता के लक्ष्य को इससे भी व्यापक रखा गया है। उत्तर साक्षरता अभियान का एक लक्ष्य ये भी है कि सामाजिक कुरीतियों को दूर किया जाए और एक सामाजिक चेतना पैदा की जाए। इसके लिए प्रधान और पंचिस को हमने इन्वॉल्व किया है, क्योंकि पंचायत जो है वो एक परमानेंट फीचर है और ये काम जो है कुरीतियों को दूर करने का और एक सामाजिक चेतना पैदा करने का वो हमेशा चलता रहेगा। महिलाओं की दशा में सुधार को लेकर कला जत्था के कलाकारों द्वारा किया जा रहा ये प्रयास भी कम सराहनीय नहीं है। समाज में अपनी कमजोर स्थिति को सहने के लिए महिलाएं अब और तैयार नहीं हैं। महिलाओं की इस विशाल रैली से भी यही संकेत मिलता है कि ये अब जाग गई हैं और अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गई हैं।
पहले लड़कियों की जब शादियां होती थी तो वो चुपचाप अपने मतलब विवाह जो एक्सेप्ट कर लेती थी, विवाह हो जाते थे, लेकिन साक्षरता अभियान में इतनी जागृति आई है कि लड़कियां अब अपने विवाह उन घरों में पसंद करना करती हैं, करना पसंद करती हैं जहां दहेज जो घर लेना पसंद नहीं करते हैं। इससे लड़कियों में आत्मविश्वास बढ़ा है और हमारे जिला कांगड़ा में बहुत बड़ी जागृति इस विषय में आई है। इतना ही नहीं, यहाँ की महिलाओं ने शराब जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। ये दुकान से निकालकर शराब की बोतलों को भी तोड़ डालती हैं और दुकान में घुसकर नशे के खिलाफ आवाज भी उठाती हैं। महिलाओं में इस तरह की जागरूकता लाने में नगरोटा सूर्या की प्रधान फूलो देवी जैसे स्वयंसेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। शराब पीना जो है सो बंद कर रहे हैं और हम उसको नशाबंदी को हम मिसाली ये उठा रहे हैं। हमारा तो ये सहयोग है कि शराब नशाबंदी जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो पालमपुर के प्रसिद्ध बाजार की चहल पहल हो या खेतों में काम करती महिलाएं, इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो साक्षरता ने इनके जीवन के सारे दुख दर्दों को दूर कर दिया हो और इनकी झोली में सिर्फ खुशियां ही खुशियां भरती हों। इनके गीतों में भी तो यही झलकता है और पेड़ों के पीछे छिपता सूरज भी शायद यही कहता है। सचमुच साक्षरता का दीपक यहाँ घर घर में जल रहा है। पढ़ो लिखो भाई मेरी बहना, पढ़ो लिखो जी, आ ई क ख ग घ पढ़ो लिखो जी, आ ई क ख ग घ पढ़ो लिखो जी,